अकीरा ऐसे कैसे प्रणव के साथ समीर को इस हालत में छोड़कर चली जाती। हाँ, उसने प्रणव के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो अपने खुद के प्रिंसिपल्स ही भूल जाए। बोलना नहीं चाहिए, समीर ने खुद दो बार मरने से बचाया था और अब प्रणव के लिए तो वो ऐसे ही उसको इतनी बुरी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी। अगर उनके बीच में कुछ नहीं हो, लेकिन अगर वो सिर्फ दोस्त भी है तो भी समीर का एहसान वो ऐसे नहीं भूल सकती। अकीरा ने अपने आप को बूस्ट किया और प्रणव को क्लियरली बोला, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकती। जब समीर को सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे तो मैं उसके साथ ही आऊंगी। अगर आज ये नहीं होता तो हॉस्पिटल बेड पर वो नहीं, मैं लेटी होती। प्रणव जब अकीरा की बात सुन रहा था और अकीरा अपनी बात पूरी करे, उससे पहले ही उसके फेस पर एक पंच आया था। समीर ने अपनी पूरी ताकत यूज करके उसे पंच किया था। उसने जब नोटिस किया कि वो अकीरा को घूर रहा है, प्रणव को ये पंच से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। हाँ, उसके लिप्स के कॉर्नर से खून आ रहा था, लेकिन पेन बिल्कुल नेग्लिजिबल था। प्रणव ने अपने फेस पर लेच खून को पोंछा और फिर उसने समीर को देखा, जो पंच करने के बाद तुरंत बेड पर जाकर गिर गया था। प्रणव की आंखों में अब बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। उसने समीर को गुस्से से देखकर बोला, तुम मरना चाहते हो क्या? प्रणव का हर शब्द समीर को एक वार्निंग का इशारा दे रहा था। समीर ने अपने हाथ में एक वॉच पहनी हुई थी। पहले तो वो बहुत ही ब्रेथलेस हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी मैकेनिकल वॉच को तीन बार टैप किया था। उसके टैप करते ही उधर 8 बॉडीगार्ड आ गए थे। समीर ने अपने बीमार चेहरे से बॉडीगार्ड को प्रणव की तरफ इशारा किया और बोला, इसे संभालो। जैसे ही समीर के वर्ड्स खत्म हुए, सारे बॉडीगार्ड ने तुरंत ही प्रणव को अटैक किया था। अब वो हॉस्पिटल वार्ड नहीं, किसी क्लाइमैक्स का हिस्सा लग रहा था, जैसे दो हीरो एक लड़की के लिए लड़ रहे हो। समीर बेड से उठकर अकीरा के पास गया और अपनी वीकनेस के साथ ही उसका हाथ पकड़कर उससे बोला, लिटिल फ्लावर, चलो यहाँ से। अब समीर अपनी पूरी ताकत खो चुका था। उस एक पंच ने उसकी बची कुची ताकत भी खत्म कर दी थी। वो खुद से रूम में बाहर नहीं जा पा रहा था। अकीरा के गाइडेंस के साथ चलने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अकीरा ने समीर को वार्ड से बाहर निकालने के लिए सपोर्ट किया था और वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और पीछे मुड़कर वो प्रणव को देखने लगी। अकीरा ने कहीं न कहीं ये एक्सपेक्ट किया था। वो 8 बॉडीगार्ड प्रणव को रोकने के लिए काबिल नहीं थे। प्रणव के एक किक से ही वो फ्लोर पर गिर गए थे, लेकिन उन्हें इस तरह ट्रेन किया गया था कि वो जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेते तब तक कोई हार नहीं मानेगा। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी प्रणव को समीर और अकीरा के पीछे जाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। प्रणव वो अब तक ये सारी चीजें बहुत ही शांत तरीके से हैंडल कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि अकीरा उस आदमी को बाहर जाने के लिए सपोर्ट कर रही है, उसके अंदर बदले की आग जाग गई थी। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और थोड़ी ही देर में प्रणव ने एक एक करके उन बॉडीगार्ड्स को मार मार के नीचे गिरा दिया था, और इस बार आराम से नहीं मारा था। उसकी एक किक इतनी पावरफुल थी कि उनमें से किसी ने भी वापस उठकर लड़ने की हिम्मत नहीं की थी। अकीरा ने समीर को सपोर्ट करते हुए लिफ्ट से बाहर निकला और हॉस्पिटल के गेट पर एम्बुलेंस रेडी खड़ी थी समीर को सिटी हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए। वो अब हॉस्पिटल की लॉबी में खड़े थे और स्टाफ को गाइड करने के बाद अकीरा ने यहाँ वहाँ देखते हुए सोचा, अगर वो कुछ भूल रही है तो। उसके अंदर से रेस्टलेसनेस फील हो रही थी। उसने इस टाइम पर समीर को सपोर्ट करके कुछ गलत तो नहीं किया था ना? उसे प्रणव के लिए इतना अजीब क्यों फील हो रहा था? वो बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी। ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया हो। ये सब क्यों सोच रही है वो? उनके बीच में तो प्यार जैसा कुछ भी नहीं है, शादी को तो दूर की बात है। क्या अकीरा को उससे डर लग रहा है? अकीरा को उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? ये तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि प्रणव उन बॉडीगार्ड से हार जाए। समीर रुक गया था और वो अकीरा को देखने लगा, जो उसे देखने के बजाय बार बार पीछे देख रही थी। लिटिल फ्लावर। अकीरा समीर के पास गई और उसने अपने अंदर की फीलिंग्स को सरप्रेस करते हुए उसे प्यार से बोला, समीर तुम एम्बुलेंस में डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल जाओ,
मैं पीछे से एक गाड़ी में आती हूँ। प्रणव बहुत ही गुस्से वाला और खतरनाक इंसान है। अगर अकीरा ने उसे ये सब बातें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की तो वो पता नहीं क्या कर देगा। ये सुनकर समीर की आंखें छोटी हो गई थी और वो भी उदास ही हो गया था। उसने मेडिकल स्टाफ जो उसे सपोर्ट कर रहे थे उसे धक्का दे दिया था और शिवर करते हुए अकीरा के पास आया। वो आकर उसे कुछ बोले, उतने में पीछे से एक टॉल शैडो दिखी। कोई उस पर कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही उस आदमी ने अकीरा का हाथ जोर से खींचा और उसे अपनी तरफ खींच लिया था। जैसे ही प्रणव ने अकीरा को दूसरी तरफ अपने पास खींचा, उसका दूसरा हाथ समीर ने पकड़ लिया था। प्रणव की आंखें ये सब देखकर लाल हो गई थी। अकीरा, भूलो मत, तुम मेरी सर्वेंट हो। मैं तुम्हें जो बोलूंगा तुम्हें वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। तुम ऐसे मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। ये सुनकर अकीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। प्रणव ने ये सर्वेंट वाली बात अभी नहीं बोलनी चाहिए थी ना? अभी भौंकने का कोई मतलब ही नहीं था। वो बहुत ही इंसल्टिंग फील कर रही थी। तुम थोड़ी सेंसिबल बातें कर सकते हो? तुम मुझे बोल रही हो सेंसिबल बातें करने? तुम पहले ही किसी और लड़के के साथ जाकर मुझे चीट कर चुकी हो और उसके बाद तुम मुझसे ये सब एक्सपेक्ट भी कर सकती हो? प्रणव अभी बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो दुनिया भर का गुस्सा अकीरा पर ही उतार रहा हो। जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरी वजह से समीर को एक पॉइजन स्नेक ने बाइट कर लिया था और मुझे उसकी हेल्प करनी है। उसे अभी के अभी सिटी हॉस्पिटल लेकर जाना है। प्रणव का ध्यान अकीरा के एक्सप्रेशन पर नहीं बल्कि अकीरा जिस तरह समीर का नाम ले रही थी बस उस पर था। प्रणव ने इस पूरे कन्वर्सेशन के बाद अकीरा को सिर्फ एक चीज बोली, हो तुम उसका नाम कितने प्यार से लेती हो। अकीरा ये सुनकर इरिटेट हो रही थी। इतनी सारी चीजें बोलने के बाद भी वो बात को समझना नहीं चाहता था। उसका ध्यान कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा था। वो गलत बातें सोच रहा था और सही बातें सुनना नहीं चाहता था। इसके आगे कुछ बोले बिना अकीरा ने जोर से प्रणव का हाथ अपनी पूरी ताकत लगाकर झटका और समीर की तरफ मुड़ गई थी। समीर को देखकर अकीरा ने उसे बोला, चलो यहाँ से चलते हैं। प्रणव ये देखकर जल जल कर राख हो गया था। उसके अंदर उन दोनों को ऐसे जाते हुए देखकर गुस्से की आग बढ़ रही थी। वो ये चीज कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अब कुछ अपने हिसाब से नहीं कर पा रहा था। वो अब बस पीछे खड़े होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहा था और वो बहुत लेट डाउन फील कर रहा था। उसने अपने आप को संभाला, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और आगे जाकर वो अपने हाथों से समीर को पंच करने ही वाला था। अकीरा को पहले से ही उधर कुछ गलत होने का एहसास हो गया था और वो बिना कुछ सोचे समझे उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। उसकी वजह से ही पहले ही समीर को स्नेक ने बाइट किया हुआ था और अब उसके और प्रणव बीच के इक्वेशन की वजह से वो नहीं चाहती थी कि समीर को कोई प्रॉब्लम हो। समीर की हालत देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो एक पंच भी सहन नहीं कर सकता। प्रणव ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अकीरा ऐसे समीर के आगे आकर खड़ी हो जाएगी। उसने जैसे ही अकीरा को देखा उसने अपने पंच को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और प्रणव का पंच अकीरा के फेस पर जाकर लगा। अकीरा का फेस पूरी तरह कलरलेस हो गया था। ये देखकर प्रणव को बहुत बुरा लग रहा था। अकीरा ने अपनी आंखें बंद की और पेन को कंट्रोल करने की कोशिश की। कुछ सेकंड्स के बाद अकीरा ने प्रणव को फर्मली बोला, प्रणव मैं तुम्हारा सर्वेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ, मुझे पता है, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि 24 के 24 घंटे तुम्हारे हिसाब से चलूंगी। मैं मानती हूँ कि मुझे तुम्हारा हुक्म मानना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी एक जिंदगी है। तुम्हारी बात मानते मानते मैं अपनी उस जिंदगी को खराब नहीं कर सकती। अब तुम मेरी बात पहले तो सुन नहीं पा रहे हो, तो अगर अब तुम्हें समीर के साथ कुछ भी गलत करना है तो पहले मुझे फेस करना होगा, उसके बाद उसे। अकीरा प्रणव को आंखों में देखकर ये सारी बातें बोल रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अब प्रणव से बिल्कुल नहीं डरती है। समीर ने अकीरा का ये अंदाजा पहले कभी नहीं देखा था। प्रणव भी अकीरा को देखकर चौंक गया था। प्रणव को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अब इतना कुछ होने के बाद अकीरा या समीर को कुछ करना नहीं चाहता था। उसका बस चले तो वो वही उन दोनों को मार देता, लेकिन वो अपने एक्शंस कंट्रोल कर रहा था। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। प्रणव वहाँ खड़ा होकर उन दोनों को बस एम्बुलेंस के अंदर जाते हुए देख रहा था। वो उनके पीछे नहीं गया,
वो वहीं खड़े होकर सिर्फ उन्हें जाते हुए देख रहा था। और इतने टाइम के बाद अभी रमेश अंकल अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंचे। प्रणव ने कुछ ज्यादा ही फास्ट गाड़ी चलाई थी, वो लोग उसकी स्पीड तो मैच नहीं कर पाए, लेकिन कैसे कैसे करके उसको ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचे थे। रमेश अंकल जब लॉबी में पहुँचे तब उन्होंने देखा कि पीछे से एक बॉडीगार्ड वुडन रॉड से प्रणव को मारने के लिए आ रहा था। मिस्टर प्रणव, पीछे पीछे देखो। वो रॉड जोर से जाकर प्रणव के सिर पर लगी और उसके सर से खून आने लगा था। उस दर्द को इग्नोर करते हुए प्रणव पीछे उस बॉडीगार्ड को देखने के लिए मुड़ा और उसे देखते ही प्रणव ने अपने पैर से उसे पेट पर जोर से किक किया था। ओ, आपके सर से खून आ रहा है। रमेश अंकल ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो बॉडीगार्ड प्रणव को मारने में सफल हो पाएगा। प्रणव को आखिर किस बात का इतना गहरा झटका लगा कि वो इतने स्मार्ट होने के बावजूद उस अटैक का अंदाजा नहीं लगा पाए। प्रणव को ये देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था, सिर्फ उसके सर से नीचे खून उसके कपड़ों पर गिरते जा रहा था, जिससे वो सिर्फ डरावना लग रहा था और कोई फर्क नहीं थे उसके एक्सप्रेशन में। रमेश अंकल ने प्रणव को ऐसे देखा और तुरंत ही उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और क्लीन करके बैंडेज करने के लिए बोला। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रणव इस तरह बिना किसी ऑब्जेक्शन के ट्रीटमेंट करवा लेगा। वो डॉक्टर को बिना किसी इंटरप्शन के काम करने दे रहा था और चुप से डार्क एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ था। तभी रमेश अंकल ने प्रणव से कहा, मिस्टर प्रणव, मैं आपको बहुत टाइम से एक बात बोलना चाहता था। आप और मिस अकीरा एक साथ कोई मैच नहीं बनते। आपके स्टेटस और पोजीशन को देखें और उनके तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो बहुत ही आउटस्पोकन और ब्रेव है। उस एटीट्यूड के साथ वो आपकी मिस्ट्रेस बिल्कुल नहीं बनना चाहेगी। आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। प्रणव ये सुनकर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसे देखकर बोला, अब ये बात तो सही है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मेरे पीछे उसने किसी और को ढूंढ लिया है, मेरी क्या जरूरत होगी। मिस्टर प्रणव, मैंने उसके मिसिंग होने से लेकर अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है और उन सारी चीजों को ये एनालाइज करने के बाद मुझे एक बात पता चली है कि इन सारी बातों के बीच में मिस अकीरा कहीं भी गलत नहीं है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। यहाँ आने से लेकर यहाँ रुकना उनकी मजबूरी थी। प्रणव ने कुछ नहीं बोला और वो सिर्फ रमेश अंकल को घूरे जा रहा था। उसे देखकर उसके गुस्से का कहीं न कहीं अंदाजा लगाया जा सकता था। रमेश अंकल ने प्रणव के इस एटीट्यूड को नोटिस किया और उसे डरते हुए उन्होंने अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए बोला, मिस अकीरा के नाना नानी के ग्रेव के साथ किसी ने तो कोई प्लानिंग की थी, मतलब उनके ग्रेव पर किसी ने तो रेड पेंट डाल दिया था और वो पूरी तरह वहाँ फैल गया था। मिस अकीरा वहाँ पर गई थी और वो जिस जगह पर रुकी थी, और वहाँ किसी ने तो बहुत सारे स्नेक, पॉइजनस स्नेक छोड़ दिए थे। अगर सही टाइम पर मिस्टर समीर कपूर उधर नहीं पहुंचते तो वो स्नेक मिस अकीरा के साथ कुछ कर चुका होता। प्रणव ने खांसते हुए एटीट्यूड में रमेश अंकल को देखते हुए बोला, आपको लगता है कि अगर उस इंसान ने बेबी की जान नहीं बचाई होती तो उसे ऐसे यहाँ से जाते हुए देखता? अगर कोई और बात होती तो मैं अब तक उसे काट कर कुत्तों को खिला देता। प्रणव अभी भी शौक में ही था। वो अभी भी अपनी दुनिया में ही अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और आंखें बंद करके वो धीरे धीरे बड़बड़ कर रहा था, मैं उसे किसी और लड़के के साथ देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने अपना टेंपर लूज कर दिया था। प्रणव शायद गिल्टी फील कर रहा था कि उसने उसे बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया था। अभी प्रणव की दवाई लेने का टाइम हो चुका था। अगर प्रणव ने पहले ही दवाई ले ली होती तो शायद अभी सिचुएशन कुछ और होती। प्रणव इस तरह अकीरा पे अपना टेंपर लूज नहीं करता। प्रणव इस तरह अकीरा पे अपना टेंपर लूज करता रहा तो ये उसके रिलेशन के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। और अब बात आती है एम्बुलेंस में। अकीरा समीर के बाजू में एम्बुलेंस में बैठी हुई थी और समीर ने उसका हाथ पकड़कर जेंटली बोला, लिटिल फ्लावर, तुमने मुझे चूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अकीरा को अंदर से कुछ और ही फील हो रहा था जब उसने समीर को देखा। वो उसे बहुत ही प्यारा और जेंटल लुक दे रहा था। तुम्हें मेरी वजह से इतनी चोट लगी है, अब मैंने जो करना चाहिए मैं वही कर रही हूँ। मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँ। अकीरा ने पॉज लिया और फिर अनश्योर होकर बोला, समीर, तुम ही युवराज हो ना? समीर ने अपनी आँखें बंद कर ली। उसने ना ही बात को एक्सपेक्ट किया और ना ही इसे रिजेक्ट किया।
अगर तुम युवराज हो तो उतने सालों में मैं कहाँ थी और क्या कर रही थी, ये तुम्हें अच्छे से पता होगा। तुम्हें ये भी पता होगा कि मेरा एक बेटा भी है, समीर ने, वो बहुत ही क्यूट है। अथर्व का नाम सुनते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। जब से मैंने अथर्व को पैदा किया है, मैंने उसके अलावा और किसी लड़के को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में नहीं सोचा है, और ना ही मैं किसी और के बारे में सोचना चाहती हूँ। मैंने हमेशा से ही तुम्हें अपने सीवियर की तरह देखा है, और आज भी मैं वैसे ही देख, लेकिन मुझे अब लगता है कि तुमने मेरे ऊपर ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, समीर ने अकीरा को बोला। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हारा एक बेटा है, मैं इतने सालों तक कड़ी मेहनत करता रहूं ताकि मैं स्ट्रांग हो सकूं, फिजिकली और सोशली भी। मैं हमारे लिए एक घर बनाना चाहता हूं। हमारे लिए एक घर? ये सुनकर अकीरा को अच्छा फील हो रहा था। ये बात सच है कि वो हमेशा से ही एक सिंपल और अच्छा घर चाहती थी, लेकिन लिटिल फ्लावर, मैं अभी केपेबल हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए? अकीरा ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि समीर उसे ऐसे कुछ बोलेगा। वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। उसने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। जब अकीरा छोटी थी और उसके मॉम डैड के बीच सब नॉर्मल था और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी उसके साथ थे, अकीरा ने तभी ही समीर को बताया था कि वो हमेशा सिर्फ प्यार भरी फैमिली और एक सिंपल घर चाहती है। उसे पैसा या ज्वेलरी की कोई लालच नहीं है। कुछ देर तक वहाँ एकदम शांति थी। अकीरा ने समीर को आंखों में देखकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली थी और नीचे देखते हुए धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो समीर। प्रणव उसको कभी भी बिना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले जाने नहीं देगा, और क्या पता उसके बाद भी। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रांग और डोमिनेटिंग थी। अगर समीर और प्रणव को कंपेयर करे तो समीर दिल से और दिमाग से अकीरा को समझता था और उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करता था। वो अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन प्रणव बिल्कुल इसका उल्टा है। लिटिल फ्लावर, देखो, तुमने स्कूल के टाइम पर मुझे एक बार रिजेक्ट कर चुकी हो क्योंकि मेरे टीचर ने तुम्हें बोला था कि तुम मेरी पढ़ाई इफेक्ट नहीं कर सकती। मुझे उस टाइम अब्रॉड यूनिवर्सिटी का ऑफर मिला था करके। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और कुछ सेकंड्स बाद सॉफ्ट और धीमी आवाज में बोला, तुम मुझे लाइक करती हो? अकीरा ने उसकी बात सुनी जरूर थी, लेकिन उसने ना कुछ रिएक्ट किया और ना ही कोई जवाब दिया। उस टाइम पर समीर ने उसकी जान बचाई थी, और बचपन में ऐसे ही कोई किसी के लिए करे तो उसके लिए फीलिंग्स होना बहुत नॉर्मल था। उस टाइम पर अकीरा के लिए समीर सबसे बड़ा हीरो था, लेकिन जब कुछ टाइम के बाद समीर यूनिवर्सिटी के ऑफर को एक्सेप्ट करके अब्रॉड चला गया था, उसने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लिया था। अकीरा को जैसे ही पता चला था कि समीर रिटर्न आ गया है, उसे फिर से वही वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन ये सब शायद टेम्पररी था। लेकिन जब अकीरा और समीर हॉस्पिटल में जब क्लोज थे, तब अकीरा को समीर के लिए अपने दिल में बचपन जैसी हलचल नहीं हो रही थी। उसे कोई बटरफ्लाइज फील नहीं हो रहे थे, बल्कि उसे सिर्फ एक फ्रेंडली फीलिंग आ रही थी। उस टाइम पर वो अनकेपेबल थी। वो समीर को एक एहसान करने वाले की नजर से देखती थी। एक वक्त वो उसके लिए ग्रेटफुल थी। उसे नहीं पता था कि जब वो 13 साल की थी, वो समीर के लिए कुछ फील करती थी। उसने जो अपने अंदर छुपा कर रखा था, वो अब कहाँ चला गया था? वो चीज, वो फीलिंग स्ट्रांग होने के बाद और भी लो हो रही थी। मैंने जब अपनी आंखें खोली, मैंने देखा मेरे बाजू में तुम बैठी थे, मेरे बाजू में तुम बैठे हुए थे, तुम मेरे फेस को पोंछ रहे थे। ये तब की बात है जब मैं किडनैप हुई थी और तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम मुझे बहुत ही जेंटल और प्यारे तरीके से देख रहे थे। उस टाइम पर तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे तुम मेरे हीरो हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। समीर, इतने सालों के बाद भी तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम अभी भी मेरे लिए उतने ही महान हो जितने पहले थे। अभी भी मेरे लिए तुम मेरे हीरो हो। समीर उसे घूर रहा था। वो कहीं ना कहीं ये समझ गया था कि अकीरा क्या बोलना चाहती है। अच्छा, मैं तुम्हारा हीरो तो हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि अब तुम्हें हीरो पसंद नहीं आते, है ना? अकीरा ने फिर एक बार उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अकीरा को इस तरह देखकर उसने हंसते हुए फिर से बोला, तुम कहीं प्रणव को पसंद तो नहीं करने लगी हो?
अकीरा ने ना बोलते हुए इशारा किया। नहीं, मुझे अब कोई नहीं पसंद। अकीरा ने उसकी बात को मना तो कर दिया था, लेकिन समीर को ऐसा लग रहा था कि अकीरा कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। अकीरा शायद अपनी बातों को लेकर श्योर नहीं थी। ये सबसे कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट हो गया था। उसने एग्जॉस्ट होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। और अब बात आती है विन टाउन में। प्रणव हॉस्पिटल से बाहर निकला। उसने ब्लैक शर्ट और पैंट पहनी हुई थी और उसके शर्ट के ऊपर वाले दो बटन खुले थे, जहाँ से उसकी कॉलर बोन क्लियर और अट्रैक्टिव लग रहे थे। बाहर बहुत अंधेरा था और प्रणव उस मून लाइट में अभी भी हैंडसम लग रहा था। मिस्टर प्रणव, अब आगे क्या करना है? हम घर जा रहे हैं या कहीं और? प्रणव अभी बहुत ही काम और नॉर्मल बिहेव कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाई ले ली थी और उसे रिलीफ भी मिल गया था। रमेश अंकल के ये सवाल पूछने के बाद प्रणव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ सोच रहा है और उसके दिमाग में अपना ही एक प्लान बन रहा है। उसने फिर अचानक से बोला, हम उस घर में जाएंगे जहां पर अकीरा को स्नेक ने घेरा हुआ था। रमेश अंकल प्रणव को घूरे जा रहे थे। प्रणव अपनी बात पूरी करके कार में जाकर बैठ गया था। अंकल सरप्राइज्ड और कंफ्यूज थे। प्रणव के दिमाग में क्या चल रहा है? प्रणव अकीरा और उस लड़के के पीछे नहीं जाना चाहता था, बल्कि वो उस जगह पर जाकर चेक करना चाहता था जहां अकीरा अपनी जान से हाथ धोने वाली थी। प्रणव में ये चेंज कैसे? अगर उसे नॉर्मल टाइम पर देखे तो उस सिचुएशन में वो जाकर समीर का खून कर देता। क्या ये हो सकता है कि प्रणव अकीरा के लिए सच में कुछ फील करने लगा है? अगर वो नॉर्मल होता तो वो इस तरह से बिल्कुल बिहेव नहीं करता। और अभी वो अकीरा के पीछे हो समीर हॉस्पिटल में, और वो भी बुरी हालत में। प्रणव ने देखा कि रमेश अंकल चुप से बाहर खड़े होकर कुछ सोच रहे थे और गाड़ी के अंदर नहीं बैठ रहे थे। उसने अंकल को फर्मली बोला, क्या आप उधर खड़े होकर कोई मॉडल या स्टैचू बनने के बारे में सोच रहे हो? अगर ऐसा कुछ है तो अपना प्लान यही ड्रॉप कर दो और मेरे लिए काम करने में अपना बेनिफिट देखो। तुम्हारे पास मेरे जैसे लुक्स तो नहीं है। आधी रात को कुछ बड़ी और लग्जरी स्पोर्ट्स कार अकीरा के आंटी के घर के पास आ गई थी। रमेश अंकल ने प्रणव घर के अंदर जाए या गाड़ी से बाहर निकले, उससे पहले ही अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो घर के अंदर जाकर अच्छे से पूरा घर चेक करे। घर में अंदर कहीं कोई रिस्क तो नहीं है? अगर कोई स्नेक घर के अंदर हो तो उसे भी निकालने का ऑर्डर दिया।